दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेन वशिष्ठ आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का टॉपिक है गायों में पेपिलोमा, जो मस्से हो जाते हैं, उनका इलाज कैसे करें। आपने देखा होगा कुछ गायों में क्या होता है कि शरीर पर बहुत ज्यादा जो है मस्से हो जाते हैं, और मस्से भी जो है आप बिल्कुल टिपिकल मस्से होते हैं। आप देखने से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कॉलीफ्लावर होता ना, उस तरह की उसमें बनावट होती है, मस्सों की बनावट होती है। और कई बार तो क्या होता है, मस्सा एक दो नहीं होता, पूरी बॉडी के ऊपर मस्से हो जाते हैं। और ये एक वायरल बीमारी है। ये बीमारी एक इन्फेक्टेड एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर जा सकती है। अगर एक एनिमल एक ही दो एनिमल एक ही ट्रफ में, फीडिंग ट्रफ जहाँ पर चारा रखा रहता है वहाँ पर खाएंगे तो इन्फेक्शन उसके थ्रू जा सकता है। पानी एक साथ पियेंगे तो वहां से इन्फेक्शन जा सकता है। एक दूसरे को टच करेंगे तो उससे इन्फेक्शन जा सकता है। अगर आपने एक एनिमल को टच किया फिर उसके बाद बिना हाथ धोए आपने दूसरे एनिमल को टच किया तो ये बीमारी दूसरे एनिमल में जा सकती है। तो इस तरह से जो है मस्सा होना जो है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सटीक इलाज क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने बहुत ही विशेष दवा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पेपिलोमा का जो इलाज है वो है आयोरमेक्टिन। आयोरमेक्टिन के माध्यम से हम पेपिलोमा के वायरस को खत्म कर सकते हैं और धीरे 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 जो पेपिलोमा का साइज है, जो मस्सों का साइज है, वो कम हो जाता है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अगर कोई लार्ज एनिमल है, गाय है, तो उसमें कैसे यूज करेंगे। जो आयोरमेक्टिन की डोज है वो है 0.2 mg/kg बॉडी वेट। तो 0.2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से जब हम आयोरमेक्टिन को यूज करते हैं तो 1 ml आयोरमेक्टिन लगभग 50 kg बॉडी वेट के एनिमल को दिया जा सकता है। और देने का तरीका है सबक्यूटेनियसली स्किन के नीचे। अगर आपका एनिमल 100 kg का है तो 2 ml, 150 kg का है तो 3 ml, 400 kg का है तो 4 ml। इस तरह से आप जो है सबक्यूटेनियसली आयोरमेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देने का तरीका दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप सिंगल डोज यूज कर सकते हैं। अगर पेपिलोमा कम है तो आप सिंगल डोज आयोरमेक्टिन यूज कर सकते हैं 0.2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर पेपिलोमा की मात्रा संख्या पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा बनी हुई है तो उस कंडीशन में आप आयोरमेक्टिन को 15 दिन ऐसे करके 3-4 बार जब आप देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 जो पेपिलोमा है उसका साइज घटता चला जाएगा। इसके अलावा जो मस्से हैं, मस्सों के ऊपर आप 10% सैलिसिलिक एसिड का सॉल्यूशन भी वो आप लगा सकते हैं, उससे भी जो है धीरे धीरे पेपिलोमा का साइज कम हो जाता है। इसके अलावा एक नई चीज है, एक फल होता है फिग, आपने सुना होगा फिग। तो फिग का जो लेटेक्स होता है, उस पेड़ का जो लेटेक्स होता है, अगर आप उस लेटेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं मस्सों के ऊपर तो उससे भी जो है पेपिलोमा का साइज वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा होम्योपैथिक में एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं वेरिंटेक्स। इस वेरिंटेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी जो है करीबन 20 से 25 बूंदें आप रोटी पे चुपड़ के सुबह शाम अगर आप देंगे, लगातार महीना डेढ़ महीना देंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे पेपिलोमा का साइज वो कम होता चला जाएगा। इसके अलावा ऑटोजिनस वैक्सीन का भी आप निर्माण कर सकते हैं। किसी पेपिलोमा को आप निकालें, पेपिलोमा को निकालने के बाद उसको ट्राइचुरेट करके, उसकी एक विधि है, एक तरह से जो है एक ऐसा इंजेक्शन बनाना है जो पेपिलोमा से ही बना है, उसको पेपिलोमा को बारीक पीस के नॉर्मल सलाइन में उसको मिला के और उसके बाद जो है उसको फिल्टर करके जो भी सॉल्यूशन निकलता है उसको आप सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, तो उससे भी जो है थोड़ा राहत मिलती है। इसके अलावा ऑटो हीमोथेरेपी भी आप कर सकते हैं, एनिमल का ब्लड निकाल के और एनिमल को वापस सबकट उसको लगा दें तो उससे भी है काफ़ी हद तक निजात मिलती है। तो बहुत सारे तरीके हैं। एंथियोमेलिन एक इंजेक्शन आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आयोरमेक्टिन का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा लाजमी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी और ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से कारगर होगा। मैं अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।